तरीके से कांग्रेस पार्टी आज मानसिक दिवालियेपन की तरफ जा रही है वो सच में निंदनीय है, दुखदायी भी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो गतिविधि कांग्रेस पार्टी कर रही है और उनके नेता राहुल गांधी कर रहे हैं, ये देश के लिए बहुत ही निंदनीय विषय है और जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आपको जान करके आश्चर्य होगा, कांग्रेस पार्टी के नेता आते हैं क्या करते हैं? भ्रष्टाचार करते हैं, करप्शन, कमीशन, क्रिमिनलाइजेशन, ये उनकी रीति नीति है। विभाजन करना, भाई को भाई से लड़ाना, समाज को समाज से लड़ाना, यही उनको आता है। और अब तो हद हो गई है कि राहुल गांधी को जब यहां भारत में कांग्रेस को कोई नहीं पूछता तो इंग्लैंड की सरजमीं पर जाकर के भारत की संप्रभुता के बारे में प्रश्न खड़ा करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि यहां प्रजातंत्र समाप्त हो गया है। अभी नागालैंड में नॉर्थ ईस्ट में चुनाव लड़ने गए थे और नॉर्थ ईस्ट में चुनाव लड़ने गए, नागालैंड में 0, मेघालय में 5 और मेघालय में 3 और त्रिपुरा में, मेघालय में 5 और त्रिपुरा में 3 सीटें आई हैं। प्रजातंत्र खतरे में नहीं है, आपकी पार्टी खतरे में है। आपने जिस तरीके से काम किया है उसको ध्यान में रखना चाहिए, आपको कोई पूछ नहीं रहा। और क्या किया आपने इंग्लैंड में जाकर के, वहां क्या बोला कि भारत में प्रजातंत्र समाप्त हो रहा है, अमेरिका और यूरोप के लोगों को दखल देना चाहिए। बोलिए ये ऐसे 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 नेताओं को रहने देना है क्या? ऐसे नेताओं को रहने देना है क्या? इन लोगों को घर बैठाना है जो भारत की संप्रभुता पर प्रश्न खड़ा करते हैं, इनको घर बैठा दो। और इनकी भाषा इतनी खराब हो गई है कि आप आश्चर्य करेंगे। क्या कहते हैं? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और यहां की जनता क्या बोल रही है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा, तेरा कमल खिलेगा, तेरा कमल खिलेगा। इसलिए मित्रों, आज हम लोगों को यह तय करना पड़ेगा कि ऐसे कांग्रेस के नेता, शीर्षस्थ नेता, जो विदेश की सरजमी पर जाकर भारत के खिलाफ भाषण देते हैं और भारत को कमजोर करने की बात करते हैं और दूसरे देशों को निमंत्रण देते हैं कि भारत में आओ, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलाना है? क्या अंग्रेजों को बुलाना है? उनको दावत देनी है? भारत जब दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है, जब सारे देश भारत को तारीफ कर रहे हैं, जब सारे देश ये मान रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में भारत आगे बढ़ रहा है। आज जो बाइडेन ने कहा कि मैं मोदी जी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जो 470 एरोप्लेन्स का ऑर्डर दिया है उसके कारण अमेरिका में 44 राज्यों में हमको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमको रोजगार मिलेगा, ये वो कहते हैं। उसी तरीके से हमारे अन्य देशों के भी नेता मोदी जी की तारीफ करते हैं, लेकिन हमारे यहां राहुल गांधी जी देश को दुनिया में जाकर के वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कांग्रेस पार्टी को और ऐसे नेताओं को निंदा तो करनी चाहिए, ये मानसिक दिवालियेपन पर पहुंच गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनको घर बैठा देना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।